और बड़ी खबर दिल्ली से, गृह मंत्री अमित शाह से सुदेश महतो ने मुलाकात की है। विधानसभा चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा भी हुई। विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों नेता ने रणनीति बनाई है। तो देखिए, दिल्ली से तस्वीर सामने आई है जहां पर गृह मंत्री अमित शाह और आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, उन्होंने मुलाकात की है। मुलाकात की तस्वीर है। विधानसभा चुनाव को लेकर खास रणनीति के तहत ये मुलाकात मानी जा रही है और माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए इनकी ये मुलाकात काफी अहम है। और संवाददाता अंकित जुड़ चुके हैं खबर पर जानकारी के लिए। अंकित, सुदेश महतो ने अमित शाह से मुलाकात हुई है, कितने देर ये मुलाकात चली और क्या लगता है विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये मुलाकात कितनी अहम माना जाए अमित शाह और सुदेश महतो की? राकेश, निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से आजसू प्रमुख सुदेश महतो की बात करें तो वो लगातार झारखंड विधानसभा को चुनाव को देखते हुए लगातार दिल्ली में डेरा डाले हुए थे। दो बार उन्होंने जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात की थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से टिकट बंटवारा हुआ उसको लेके जो बातचीत चल रही थी वो लगातार फाइनल हो गई थी। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया ऐप के माध्यम से सुदेश महतो यानी कि आजसू प्रमुख ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से उन्होंने जानकारी दी है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि आज दिल्ली में आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से मुलाकात हुई। इस दौरान आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी और लेकर सार्थक चर्चा हुई। एनडीए परिवार पूरी तरह एकजुट और मजबूती के साथ झारखंडी हितों की सरकार बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी तरफ से एक बड़ा मैसेज किया गया है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उनके जो सहयोगी दल हैं वो कहीं ना कहीं सम्मान के साथ आगामी समय विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सुदेश महतो की ये मुलाकात काफी खास मुलाकात मानी जा रही है। जिस तरीके से उनकी प्रसन्नता और उनकी लेखनी ने सोशल मीडिया पर जिस तरीके से अपना लेख लिखा है उसको लेके विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी मुलाकात की राकेश। अंकित, सुदेश महतो अभी दिल्ली में ही है या फिर लौट गए हैं वो? निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है और जिस तरीके से आगामी समय में विधानसभा का चुनाव आ रहा है उसको देखते हुए अगर हम बात करें तो सुदेश महतो दिल्ली दौरे पर आए थे और जिसके बाद वो झारखंड के लिए वापस हो गए। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो यहाँ से निकल गए, क्योंकि अब झारखंड में विधानसभा का चुनाव है जिस तरीके से और समय कम है। तो लगातार पार्टी प्रमुख होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय सहयोगी होने के नाते वो कहीं ना कहीं पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व तो लगातार यही बोल रहा है कि आप जनता के बीच में रहिए जितना समय अधिक से अधिक हो सकता है। उसको देखते हुए ये मुलाकात काफी खास मुलाकात हुई है, वो झारखंड के लिए रवाना हो गए। अगर अंकित अगर बात की जाए तो चुनावी दौरे को लेकर भी कुछ प्लान बना है क्या अमित शाह का झारखंड दौरे को लेकर? बिल्कुल निश्चित, देखिए जिस तरीके से विधानसभा का चुनाव है, अगर हम बात करें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हों और उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री अमित शाह, वो भी लगातार झारखंड का दौरा करेंगे। उनके साथ में जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व वो भी लगातार दौरा करेगा। जिस तरीके से विधानसभा का चुनाव आ रहा, तमाम रोड शो होंगे, तमाम रैलियां होंगी, तमाम जनता के बीच में जाके बातचीत करने का काम करने का प्रयास अमित शाह जी करेंगे और उनके साथ में तमाम भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व वो भी करेगा। तो इस तरीके से एक पूरा एजेंडा तय किया गया। स्टार प्रचारकों की सूची बहुत जल्द आने वाली है और कहीं ना कहीं चिंतन और मंथन करने के बाद जो तकरीबन 30 से 32 स्टार प्रचारक झारखंड चुनाव के लिए लगाए गए हैं वो सभी अब जनता के बीच में जाएंगे और जनता के बीच में कहीं ना कहीं जाके जनता को संबोधित करने का काम करेंगे। चलिए, शुक्रिया अंकित, खबर पर अपडेट जानकारी के लिए आपका।